टेस्टिंग हेलो सिरवी समाज क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 द मैच बिटवीन SSK वर्सेस कोथनूर स्कोर मूव्स ऑन टू 5 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 0 Om Prakash to Sonu now. A beautiful delivery here by Om Prakash, and that was a dot ball. Survi Samaj Katnur, they still required 29 runs to win. Once again, Om Prakash to Sonu. And that's a beautiful hit in the air. There is a man and it's a drop. The catch has been dropped. Catches win the matches. Unfortunately, the catch has been dropped. After the completion of one over, score moves on to 5 runs for the loss of 0. So we have a second bowler here who's going to bowl the second over. ये आयोजन आज HSR लेवट बडेर की तरफ से किया जा रहा है. सभी बच्चों को जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और समाज की तरफ से इस तरह का आयोजन होने चाहिए. अभी इलेक्ट्रॉन सिटी और दूसरी टीम कौन सी कोथनूर के बीच मैच चल रहा है. आप एक लाइव प्रसारण देख रहे हैं. शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. HSR लेवट की तरफ से इस टूर्नामेंट को पूरा जो भी आयोजन है HSR लेवट की तरफ से किया जा रहा है. संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे आयोजन होने चाहिए. वाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा. बहुत शानदार टूर्नामेंट चल रहा है. लड़के जी जान से बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ. दौड़कर दो रन पूरे किए और थ्रो आ गया. एक रन शॉर्ट हो गया है. बल्लेबाज को ध्यान रख के दौड़ना पड़ेगा. बहुत शानदार बॉलिंग और बैटिंग का मुजाहिरा चल रहा है और बॉलर दौड़ रहे हैं अभी और ये शॉर्ट लगाने की कोशिश लेकिन बीट हो गए. HSR लेवट की तरफ से आज इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है. और इस बॉल पर वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा. वाइट बॉल. कोथनूर और इलेक्ट्रॉन सिटी के बीच ये मुकाबला चलता हुआ. दूसरा ओवर फेंक रहे हैं. शानदार बॉल. एक रन लिया इस बीच. बहुत मुकाबले में संघर्ष देखने को मिल रहा है. HSR लेवट इस टूर्नामेंट को पूरा इसका पूरा आयोजन स्पॉन्सर पूरा HSR लेवट की तरफ से हो रहा है आज. और इस बीच ये बॉल और बीट हो गए. कोई रन नहीं.
शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन हो रहा है और इसका यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा है, आप सब लोग वही स्पोर्ट पर देख सकते हैं इसको, वही स्पोर्ट्स पर जो भी आपके हितेशी है उनको आप ये लिंक भेज दें। और इसमें शानदार शॉट और इतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छे दोनों टीमों के बीच एक एक रन के लिए बहुत संघर्ष होता हुआ, पूरा खिलाड़ियों ने यूनिवर्सिटी का जो स्कोर कम स्कोर है लेकिन उसका बचाव करने के लिए जीत जान से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे। इन खिलाड़ियों का हौसला और जज्बा देखकर इस बीच शानदार शॉट और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और चार रन, एम्पायर का इशारा चार रन के लिए, बल्लेबाज ने एक शानदार शॉट लगाया है बाउंड्री। इलेक्ट्रॉन सिटी को संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि स्कोर कम बना है, उसका बचाव के लिए संघर्ष करें, लेकिन बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिल रही है दोनों टीमों की तरफ से, पूरे जी जान से लगे हुए हैं। तीसरा ओवर स्टार्ट हो रहा है, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन दो ओवर की समाप्ति पर। ऑन 14-4 no loss, अभी तक कोई विकेट नहीं गया है। और अभी 36 बॉल बाकी है और 20 रन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन सिटी को बहुत जोश और मेहनत से खेलना पड़ेगा। बहुत शानदार खिलाड़ी अपना सब कुछ, इस बीच बॉलर अपना तीसरा ओवर की पहली गेंद और इस पर एक शॉट लगाया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बहुत जीत जान से अपने स्कोर के बचाव में लगे हुए हैं और शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जरूरत है विकेट की, विकेट लेना पड़ेगा। इस बीच अगली बॉल, बॉलर शानदार शॉट लगाया है, एक रन, हाँ इस बीच एक रन, वेरी गुड। बहुत शानदार क्रिकेट का नज़ारा आप सब लोग देख रहे हैं, HSR लेवट बडेर की तरफ से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बडेर के संस्थाओं को इस तरह के टूर्नामेंट आयोजन करने में लड़कों का हौसला अफजाई करना चाहिए, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस बीच फील्डिंग में थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए एक स्लिप लगाई है, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन सिटी दबाव डाल रहे हैं अपने, इस बीच शानदार, लेकिन एम्पायर का इशारा कि ये बॉल टच नहीं हुए, बैट को जमीन पे टच हुई है, बहुत शानदार एम्पायर का एम्पायरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला, वेरी गुड। आउट नहीं दिया है, अपील की थी लेकिन आउट नहीं थे, तो बहुत उच्च स्तर की एम्पायरिंग हो रही है। और इस बीच एक शानदार शॉट और ये जा रही है बॉल बाउंड्री की तरफ, लेकिन भाकर एक रन पूरा किया है, ये जो आज का टूर्नामेंट का आयोजन HSR लेवट की तरफ से किया जा रहा है, संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। इस बीच बॉल आगे बढ़ते हुए शानदार बॉल फेंकी और इस पर बैट घुमाया है, एक रन के लिए दौड़ रहे हैं और ये बाउंड्री की तरफ जा रही है बॉल और एम्पायर का इशारा चार रन, शानदार शॉट। इलेक्ट्रॉन सिटी ने रन कम बनाए हैं लेकिन वो जी जान से लगे हुए हैं अपने स्कोर के बचाव में, लेकिन उनको विकेट लेने पड़ेंगे।
विकेट लेने से ही मैच में कुछ संभावना बन सकती है। अब बॉलर अगली बॉल फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये बॉल शानदार फेंकी, इस पर बैट घुमाया है लेकिन बीट हो गए, कोई रन नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन बिना कोई विकेट खोए, 20 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। तो कोतनूर की टीम धीरे धीरे अपने विजय अभियान की तरफ बढ़ रही है, अभी उन्होंने कोई विकेट नहीं खोया और शानदार रन रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है। अभी नेक्स्ट बॉलर है देवाराम, 30 बॉल में 14 रन चाहिए। इलेवन सिटी को सब कुछ जोकना होगा, अपना सब कुछ। अभी बॉलर बढ़ रहे हैं अपने शानदार जोश के साथ अपनी बॉल फेंकने के लिए, एक शानदार बॉल लेकिन वाइड का इशारा। देवाराम बॉलिंग कर रहे हैं, उनको और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है क्योंकि स्कोर बहुत कम है इस तरह की वाइड बॉल से। और बॉलर अगली बॉल फेंकने के लिए आगे बढ़े हैं और इस भी बल्लेबाज ने बैट घुमाया लेकिन वेरी गुड, शानदार बॉलिंग। बहुत शानदार वापसी, देवाराम अपनी पूरी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बल्लेबाज ये भी बहुत बिल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शानदार अपने स्कोर के बचाव में जी जान से पूरा जोश के साथ बॉलिंग करते हुए। और आज ये जो HSR लेवट बडेर की तरफ से जो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है उसमें हमारे जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष सचिव और समस्त कार्यकारिणी मेंबर आए हैं और बच्चों का हौसला अफजाई किया। इस बीच बल्लेबाज ने 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और 1 रन पूरा किया। ये 4th ओवर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन सिटी को विकेट की जरूरत है, विकेट लेना पड़ेगा तो ये अपना इस मैच में बने रहेंगे वरना हाथ से मैच धीरे धीरे फिसलता हुआ। कोतनूर अपने विजय अभियान की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं, 4th ओवर चल रहा है लेकिन उन्होंने अभी तक एक विकेट भी नहीं खोया है। इस बीच देवराम बॉलिंग के लिए आगे बढ़ते हुए और ये बॉल, ये बीट, शानदार बॉलिंग, बल्लेबाज को कोई रन लेने नहीं दिया, बाल बाल बच गए। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूरे जोश के साथ बॉलिंग करते हुए सब कुछ अपना स्कोर के बचाव में सब कुछ झोंक रहे हैं, बहुत शानदार। इस बीच अगली बॉल और ये बैट घुमाया लेकिन बीट, 0 रन। बैट्समैन सोनू बैट घुमा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है और देवाराम ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार। इस बीच ओवर की अगली गेंद, शानदार बैट घुमाया है, बॉल जा रही है कैच की तरफ और ये कैच पकड़ना चाहिए, कैच आउट। तो इलेक्ट्रॉन सिटी को पहला विकेट मिलता हुआ, देखिए खिलाड़ियों का जोश देखिए। देवाराम की बॉलिंग पर कैच पकड़ा है, कैच कौन पकड़ा भाई, प्लेयर का नाम कैच, हाँ सुकराम ने कैच पकड़ा है। और देवाराम की बॉलिंग पर उन्होंने देखिए इस ओवर में शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा पेश किया और एक विकेट निकाला और रन भी बहुत कम दिए। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर, 22 स्कोर, 22 रन पर 1 विकेट, केवल 2 रन दिए और 1 विकेट लिए, शानदार बॉलिंग। इलेक्ट्रॉनिक सिटी को इसी तरह की बॉलिंग की जरूरत है। अभी नेक्स्ट बॉलर नाम, हाँ विनोद बॉलिंग कर रहे हैं, विनोद वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार
विनोद अभी बॉलिंग करने जा रहे हैं अगले, विनोद राठौड़ थोड़ा हटना चाहिए, बहुत शानदार बॉलिंग की लेकिन बैट जोर से घुमाया है, फील्डिंग जोरदार फील्डिंग का नजारा और थ्रो आ गया एक रन, वेरी गुड बाउंड्री से बॉल। अभी कम स्कोर का बचाव करने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं, इसी तरह की बॉलिंग की जरूरत है और विकेट की जरूरत है उनको। अगला मैच सुगनगट्टा और कंगेरी के बीच होगा इसी ग्राउंड पर, और इस बीच बॉल बीट हुई, कोई रन नहीं। तो सुगनगट्टा और कंगेरी की टीम से रिक्वेस्ट है कि वो अपने अगले मैच के लिए यहां पर तैयार रहें, जितने भी प्लेयर हैं वो सब तैयार हैं, सुगनगट्टा और कंगेरी अगला मैच। और इस बीच पांचवा ओवर चल रहा है और शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बीच बॉल और बीट किया, वेरी गुड, एक रन के लिए भाग पड़े हैं, एक ही रन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सिटी का जो जोश और जज्बा देख के रियली बहुत खुशी हो रही है कि वो अपना इतना कम स्कोर के बचाव में पूरा जीत जान से लगे हुए और फ्री से रन नहीं दे रहे हैं, एक एक रन के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बहुत शानदार बॉलिंग का विनोद राठौड़ बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, इस बीच वो अपनी अगली बॉल फेंकने के लिए दौड़ पड़े हैं और ये बॉल और बाउंड्री बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, ये चार रन, एम्पायर का इशारा चार रन। इस तरह की बाउंड्री देने से बचना होगा क्योंकि स्कोर कम है, संघर्ष कर रहे हैं बहुत बहुत। हाँ, अगले मैच के लिए कंगेरी ने टॉस जीता है और वो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है, पहले बॉलिंग करेंगे टॉस जीतकर। दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपना मैच जी जान से खेलें और ये जो मैच अभी चल रहा है वो भी बहुत शानदार चल रहा है, हालांकि इलेक्ट्रो सिटी ने स्कोर कम बनाया है। और इस बीच ये अपने बैट्समैन ने शॉट घुमाया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर ने शानदार फील्डिंग की और थ्रो कर दिया, रनआउट होने का चांस लेकिन पहुंच गए, वेरी गुड, बहुत शानदार क्रिकेट का नजारा देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिसिटी के जज्बे की दाद देनी होगी, कम स्कोर को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से डिफेंड किया है, अभी बॉलिंग शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बल्लेबाज ने जोरदार शॉट घुमाया है, बॉल बाउंड्री की तरफ है, एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं लेकिन दूसरा रन नहीं होगा, एक ही रन। बहुत शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगले मैच के लिए भी खिलाड़ी तैयार बैठे हैं। इस बीच ओवर खत्म हुआ, अभी 18 बॉल में 4 रन चाहिए और बल्लेबाज ने इसको जोर से घुमाया है और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ लेकिन पकड़ा एक रन। स्कोर 31 हो चुका है और 3 रन चाहिए। इलेक्ट्रॉन सिटी के लिए करो या मरो की स्थिति, अब उनको सब कुछ झोंकना पड़ेगा अपना अगली बॉल के लिए। देवाराम और इस बीच बैट घुमाया लेकिन बहुत शानदार बॉलिंग, 0 रन। तो शानदार मैच का ये दोनों टीमों के बीच संघर्ष भी बहुत जबरदस्त हो रहा है, और इस बीच देवराम अगली बॉल डालने के लिए और बल्लेबाज ने जोर से बैट घुमाया लेकिन 9 रन, शानदार फील्डिंग और अच्छी बॉलिंग, इसी तरह बॉलिंग की जरूरत है और उनको विकेट की भी जरूरत है, पूरा कोशिश में लगे हुए हैं, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, बहुत शानदार। देवराम ने पहले भी अच्छा ओवर फेंका था, पिछले ओवर में केवल 2 रन दिए और इस बार भी शानदार बॉलिंग का नजारा, वेरी गुड। इसमें भी उन्होंने
केवल एक रन दिया है और पूरा अपना सब कुछ जोक रखे हैं। इस तरह की बॉलिंग की जरूरत है क्योंकि अभी केवल तीन ही रन चाहिए और शानदार बॉलिंग। और ये कैच की अपील की जा रही है एम्पायर ने आउट दे दिया, आउट, बल्लेबाज आउट। इसी तरह विकेट की जरूरत है इलेवन सिटी को। तो इस ओवर में भी केवल एक रन देकर एक विकेट लिया है देवाराम ने, और पिछले ओवर में भी एक विकेट लिया था और केवल दो रन दिए थे। तो देवाराम ने शानदार बॉलिंग की है, उनको इसी तरह के दूसरे एंगल से सहयोग की जरूरत है। अगला बल्लेबाज, नेक्स्ट बैट्समैन कौन है? कौन है पूछो। और अभी मनोहर लाल बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं क्रीज पर, और ये देवराम अपने ओवर की अंतिम गेंद फेंकने के लिए जा रहे हैं। और सामने मनोहर लाल बल्लेबाजी के लिए अभी नया बैट्समैन है, दबाव बनाना होगा। उन्होंने जोर से बैट घुमाया लेकिन बीट हो गए। तो ये बहुत शानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देवराम का, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। इसी तरह बॉलिंग की जरूरत है इलेवन सिटी को क्योंकि अभी 12 बॉल में केवल 3 रन चाहिए। और जिस तरह से देवराम ने अपना ओवर निकाला है उसी तरह ओवर की जरूरत है अलग इलेवन सिटी को, कुछ इसमें चमत्कार करना है। बॉलर कौन है अभी बॉलर? बॉलर का नाम हाँ अभी सुरेश, अगले गेंदबाज है सुरेश कुमार। अभी सुरेश को भी जैसे देवराम से प्रेरणा लेके उसी तरह की बॉलिंग करनी होगी। 12 बॉल और 3 रन, खिलाड़ियों में जोश की कोई कमी नहीं है, वो अपने पूरे दमखम से बॉलिंग कर रहे हैं। और इसी बीच अपने बॉल फेंकी और ये बैट घुमाया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, और ये 4 रन। इसी बीच कोतनूर ने ये मैच जीत लिया है, बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। लेकिन इलेक्ट्रॉन सिटी के भी जज्बे की प्रशंसा करनी होगी, उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया। इतना कम स्कोर को भी अच्छी तरह से डिपेंड करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जी जान लगाया। हार जीत गेम का एक हिस्सा है, उसमें निराश नहीं होना चाहिए, अगले मैच में आपको मौका मिलेगा। इस बीच अब जो मैच है केंगेरी और सुकुनगड्डा, अभी अगला मैच केंगेरी और सुकुनगड्डा के बीच में हो रहा है। केंगेरी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अभी प्लेयर कुछ ही क्षणों में मैदान के ऊपर आने के लिए तैयार है। केंगेरी और सुकुनगड्डे, केंगेरी और सुकुनगड्डे के